ओके चलो तुम क्या करोगे अब, कुछ करोगे? चाय पिलाओ यार, ठीक है अच्छे से लेके आना। अब सुनो बेटा, तो हम लोग को अब नेमिंग करनी है, चाहे बोलो बाय न्यूक्लियर, चाहे बोलो ब्रिज कॉम्प्लेक्स। बेटा जब सेंटर मेटल एक से ज्यादा होगी तो आप लोग उसको बाई न्यूक्लियर बोलते हैं, और जब कोई बाई न्यूक्लियर होगा तो जाहिर सी बात है मेटल मेटल के बीच में बॉन्ड होंगे, उनको जोड़ने वाले कुछ लीगेंड्स होंगे, इसलिए बाई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स को हम ब्रिज कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। तो आइए आज पढ़ते हैं ब्रिज कॉम्प्लेक्स के IUPAC नाम कैसे करे जाते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लो बेटा मैंने एग्जाम्पल लिया NH3 का होल 4CO, OH, NH, CO, NH3 का होल 4। सबसे पहले मेरी क्लास बताए, मैंने कंप्लीट सॉल्ट दिया है या एक आयन, मतलब नाम के लास्ट में आपको आयन लगाना पड़े, अगर नहीं भी लगाते हैं तो समस्या नहीं। अच्छा अब जरा देखो, इसको हम लोग बाई न्यूक्लियर को कहते हैं क्योंकि दो मेटल है इसलिए बाई न्यूक्लियर बोल दे रहे हैं, और ब्रिज क्यों कहते हैं क्योंकि दोनों मेटल को कुछ लीगेंड जोड़ रहे हैं, इन लीगेंड को कहते हैं ब्रिज लीगेंड, कॉम्प्लेक्स को कहते हैं ब्रिज कॉम्प्लेक्स। ये लीगेंड नॉर्मल लीगेंड है जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इससे जुड़े होंगे। कल मैंने आपको सिखाया था कि जब ब्रिज टाइप के कॉम्प्लेक्स आते हैं तो ये दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, लेकिन इस बॉन्ड से हमको एक इलेक्ट्रॉन का फायदा होता है, रिवाइज करके आए होंगे। अब देखिए हम लोग इसके IUPAC नाम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका बेटा ये कहता है कि आप इस ब्रिज कॉम्प्लेक्स को तीन टुकड़ों में तोड़ लो, ब्रिज लीगेंड के पहले का टुकड़ा, ब्रिज लीगेंड का टुकड़ा और उसके बाद का टुकड़ा। आपने इसको तीन टुकड़ों में तोड़ लिया, एक दो और तीन। सबसे पहले पहले टुकड़े का नाम करेंगे, फिर दूसरे टुकड़े का नाम करेंगे और फिर तीसरे टुकड़े का नाम करेंगे। ये पहला तरीका होता है ब्रिज कॉम्प्लेक्स का नेमिंग करने। नेमिंग लिखने से पहले मैं दो बातें आपको और बताना चाहता हूं। जैसे बात नंबर वन, साइड में लिख लेंगे, बात नंबर वन है कि लीगेंड के नाम तो वैसे ही करते हैं, जैसे हाइड्रो ऑक्साइड का हाइड्रोक्सो, फांसी वाले का हो जाता है आइड का आइडो, और फांसी के अलावा है तो आइड को हटाकर ओ, ये फांसी के अलावा है तो हाइड्रो ऑक्साइड से हाइड्रोक्सो, ये फांसी वाला है इमाइड तो इमाइड का हो जाएगा इमाइडो। नाम बच्चों बिल्कुल वैसे ही करते हैं, अंतर सिर्फ इतना है कि जो ये ब्रिज वाले लीगेंड होते हैं इनके नाम के पहले हम लोग म्यू का इस्तेमाल करते हैं। बेटा बोलो किसका? तो इसका नाम लिखा जाएगा म्यू हाइड्रोक्सो और उसका नाम लिखा जाएगा म्यू एमाइड। एक नई चीज सीखने को मिल गया, ब्रैकेट में बंद नहीं करेंगे, ब्रैकेट में बंद सिर्फ तब करते हैं जब बिस्ट्रिस का इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज कोई ब्रैकेट में बंद नहीं करेंगे। एक नया काम आपने सीख लिया। दूसरा नया काम देखिए, बाई न्यूक्लियर में या ब्रिज कॉम्प्लेक्स में सेंटर मेटल एक से ज्यादा होती है लेकिन बच्चों इनका ऑक्सीडेशन नंबर सेम होता है। क्या होता है? सेम, इसलिए हम दोनों का एक्स मानकर निकाल सकते हैं। आइए निकालते हैं, 4 × अमोनिया का 0, कोबाल्ट का एक्स, OH का -1, एमाइड का -2, NH -2 होता है, फिर से कोबाल्ट आ गया, फिर से एक्स मान लो, 4 × अमोनिया का 0 बराबर हो गया 4, 3। क्या हो गया? क्या हो गया? अबे बीच में मत बोलो, हमें करने दो यार, हमके कहाँ 3 लिख रहा है हमको है? तो ये क्या हो गया? -3 हो गया। कुछ गलती हो गई क्या?
हाँ, तो माइनस थ्री वहां आ जाएगा प्लस थ्री, तो 2x बराबर आ गया 6, तो x बराबर आ गया 3। मतलब आप लोग आंसर बोल रहे थे क्या? अच्छा, बीच में मत बोला करो, ठीक है। हाँ, हमने सोचा कहाँ 3 लिखना है, ठीक है। तो ये दो बातें मैंने आपको बताई। ब्रिज लीगेंड का नाम वैसे ही लिखते हैं, बस नाम के पहले म्यू लगा देते हैं, और दोनों सेंटर मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर सेम होता है, एक्स मानकर आप निकाल सकते हैं। ओके, अब हम लोग इसका नाम करने जा रहे हैं। आइए बच्चों, आप लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम करने जा रहे हैं। तो पहले पार्ट में लीगेंड भी है, मेटल भी है, किसका नाम पहले लिखोगे? लीगेंड। दिस इज एमी, कितने हैं? 4। टेट्रा एमी, क्या वॉबल हटाओगे? नहीं। डबल एम या सिंगल एम? नेक्स्ट बेटा, कोबाल्ट लिखो या कोबाल्टेट? कोबाल्ट, कैटायनिक है, 8 नहीं लगाएंगे, कोबाल्ट लिखेंगे। ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर 3, खत्म हो गया। दूसरे पार्ट में आए, हाइड्रोक्सो का एच पहले आता है या इमाइडो का आई? आई, आई, एच पहले आता है, हम लोगों ने एबीसीडी पढ़ी है, एच पहले आता है। म्यू हाइफन लगाए, म्यू हाइड्रोक्सो, म्यू इमाइडो, दूसरे पार्ट का नाम हो गया। हम तीसरे पार्ट में गए, वहां पे लीगेंड और मेटल दोनों है, तो पहले क्या आएगा? लीगेंड। टेट्रा एमीन कोबाल्ट, बोलो बेटा, थर्ड। आप इतना भी लिख के छोड़ सकते हो, और लास्ट में आप आयन भी लगा सकते हो। कोई राउंड तो बहुत ही आसान होता है, कुछ है नहीं। जिसको कल की क्लास आती है उसके लिए आज कुछ भी नहीं है। पहले पार्ट का नाम, फिर दूसरे पार्ट का नाम, फिर तीसरे पार्ट का नाम। बाबड़े क्लियर हो गया? लिख लीजिए। ये पहला तरीका हो गया, आप इसको लिख लो। फिर हम आपको बताते हैं इसका दूसरा तरीका। ये दो बातें नहीं है इसके लिए, ये ध्यान रखिएगा। कोऑर्डिनेशन के बाद हम लोग पढ़ेंगे मेटलर्जी, डे एंड एफ ब्लॉक, और फिर आपको फीलिंग आ जाएगी, ठीक है ना? फीलिंग आपको आ जाएगी, कोर्स अपना। तो देखिए, कोर्स अपना खत्म हो रहा है, दिन पर दिन आगे बढ़ता जा रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं, करंट टॉपिक और जो SW चल रहा है, जो न्यूमेरिकल क्लास चल रही है, आपने अगर सामंजस्य बना लिया, इक्विलिब्रियम बना लिया, देन यू नो इक्विलिब्रियम इज द मोस्ट स्टेबल कंडीशन। तो मोस्ट स्टेबल कंडीशन बनेगी, और मैं 40 क्वेश्चनों की गारंटी सिर्फ तब ले रहा हूं अगर आप न्यूमेरिकल क्लास कायदे से करते हो। तो मैं कोई पैसा नहीं ले रहा हूं, बार बार इसलिए बोलता हूं, जब मैं मेहनत कर रहा हूं तो मेरे सारे बच्चों को उसका फायदा मिल जाए, बस। इसलिए नहीं कि हम बोल रहे हैं ताकि आपका एडमिशन हो जाए, पैसे आ जाए। बहुत फायदा होगा, जब पैसे लेंगे तो कुछ भी नहीं कहेंगे आपसे, लेना हो लो, ना लेना हो ना। ये फ्री का काम चल रहा है, और फ्री को मारो गोली, पैसे को मारो गोली, मोस्ट बेनिफिशियल वर्क। वो आंसर तुमने अगर लगा लिया, हम 40 क्वेश्चनों की गारंटी ले रहे हैं, और बताओ 40 सवाल सही होंगे। लेकिन मुझे मालूम है कि 30 दिनों तक उस आंसर को फॉलो कर पाना, ये अपने आप में एक बड़ा टास्क होगा। समझ रहे हो मेरी बात? मान लो बच्चों, तुमने अनसॉल्व लगाया मोल कॉन्सेप्ट का, ये भी बता दें, हाँ, तुम्हारे 50 में 2 ही सवाल फंसे, तो तुम्हारे मन में एक फीलिंग ये भी आ सकती है, 2 सवाल के लिए 1 घंटे क्लास क्यों बर्बाद करें, 2 सवाल सर से क्लास के बाहर पूछ लेंगे, अच्छी फीलिंग आपकी आई है। लेकिन मैं चाहूंगा आप तब भी आए, क्यों? क्योंकि हम उस 1 घंटे में सिर्फ सवाल नहीं बता रहे, अपना तरीका भी बता रहे हैं, सवाल को सोचने का तरीका बता रहे हैं। और जब 10-12 सवाल बताएंगे तो आपकी सोचने की क्षमता और बढ़ेगी,
थ्योरी रिवाइज करा देते हैं, वो आपको फायदा मिल जाएगा। ठीक है, तो प्रयास करिए अच्छे से अच्छा आप कर सके। कैच को लिख लिया बेटा। तो ये पहला तरीका हो गया, तीन टुकड़ों में आपने काट के किया। दूसरा तरीका बेटा क्या होता है, वो भी सुन लो। ब्रिज कॉम्प्लेक्स को नेमिंग करने का दूसरा तरीका होता है कि हम लोग क्या करते हैं, सारे नॉर्मल लीगेंड का नाम एक साथ लिख देते हैं, फिर नाम लिख देते हैं सारे ब्रिज लीगेंड का, और फिर नाम लिख देते हैं डाई लगाकर मेटल का। मतलब इस सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, ये होता है सेकंड तरीका। अभी आपने तीन टुकड़ों में तोड़ के किया, अब टुकड़ों में मत तोड़िए, सारे नॉर्मल लीगेंड एक साथ निपटा दो, ब्रिज लीगेंड उसके बाद निपटा दो, फिर डाई लगाकर मेटल का नाम लिख दो। जैसे आइए देखते हैं कितने नॉर्मल लीगेंड है, आठ। कौन है? अमोनिया। आपने लिखा ऑक्टा एमीन, ठीक, खत्म हो गए, ब्रिज में आ गए। म्यू हाइड्रोक्सो म्यू इमाइडो, खत्म हो गए, आ गए मेटल में। डाई कोबाल्ट लिखोगे या कोबाल्टेट? कोबाल्ट लिखेंगे क्योंकि कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, तो ये सेकंड तरीका होता है इसकी नेमिंग का। मैं समझता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा, राइट? तो इस प्रकार से बाई न्यूक्लियर या ब्रिज कॉम्प्लेक्स मैंने खत्म किया। दो तरीके से नेमिंग समझाई है, तीन टुकड़ों में तोड़कर कर सकते हैं, या नॉर्मल लीगेंड, ब्रिज लीगेंड और डाई लगाकर मेटल का नाम। ओके, खत्म करें बेटा बात, हम आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, आईयूपीएसी सिस्टम बेटा क्या होता है, खत्म होता है। इस प्रकार से बेटा आईयूपीएसी नाम खत्म हो चुके हैं सारे। अब हम लोग इस चैप्टर में एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं जिसका नाम है बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स। आवाज मत करिए, बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स। देखो बेटा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बॉन्डिंग के बारे में तीन थ्योरी हमारे पास है, वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसमें सबसे पुरानी थ्योरी है वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। आपको मैं बताना चाहूंगा, वर्नर साहब ने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में शुरुआती इंफॉर्मेशन दी थी, इसीलिए वर्नर साहब को फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी कहा जाता है। इन्होंने मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में जितनी भी बच्चों बेसिक जानकारी है, वो सारी बेसिक जानकारी वर्नर साहब ने ही दी थी, इसीलिए वर्नर साहब को नोबल प्राइज दिया गया। एंड ही वाज द फर्स्ट स्विस केमिस्ट जिनको नोबल प्राइज मिला। ओके, इसीलिए इनको कहते हैं फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो आइए सबसे पहले हम लोग डील करते हैं तीनों थ्योरीज में द ओल्डेस्ट, वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी सबसे पुरानी थ्योरी है कॉम्प्लेक्स की, मैं इस थ्योरी में सबसे पहले यही पॉइंट ही लिखवाता हूं कि ही वॉज द फर्स्ट स्विस केमिस्ट हु गॉट नोबेल प्राइज इसीलिए इनको हम लोग कहते हैं
फादर ऑफ क्वाड्रिनेशन केमिस्ट्री। एनसीईआरटी का पॉइंट है ये, और हम लोग सारे वैज्ञानिक के नाम तो याद नहीं करते हैं, एक वो वैज्ञानिक जरूर याद होने चाहिए जिनको नोबेल प्राइज मिला था। ओके, इन्होंने क्या बताया, आइए देखते हैं, इनके बारे में कुछ पढ़ते हैं। पहला पॉइंट, अकॉर्डिंग हिम सेंट्रल मेटल पजेस टू टाइप ऑफ वैलेंसी रिगार्डिंग प्राइमरी वैलेंसी विच इज इक्विवेलेंट टू ऑक्सीडेशन नंबर एंड सेकेंडरी वैलेंसी विच इज इक्विवेलेंट टू क्वाड्रिनेशन नंबर। वर्नर साहब ने बताया कि कॉम्प्लेक्स में जो सेंटर मेटल होता है उसके पास दो प्रकार की वैलेंसी होती है, एक प्राइमरी वैलेंसी जो ऑक्सीडेशन नंबर के इक्विवेलेंट होती है और एक सेकेंडरी वैलेंसी जो क्वाड्रिनेशन नंबर के इक्विवेलेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट, सेंट्रल मेटल वॉन्ट टू सेटिस्फाई इट्स बोथ वैलेंसी। माता पिता की कितनी भी संतानें हो वो हर संतान को सुखी ही देखना चाहते हैं, तो सेंट्रल मेटल की कितनी भी वैलेंसी क्यों ना हो ये यही चाहेगा कि इसकी दोनों वैलेंसी जो है वो वेल सेटिस्फाइड हो। इज इट क्लियर? तो सेंट्रल मेटल वॉन्ट टू सेटिस्फाइड इट्स बोथ वैलेंसी। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर गिवन वैल्यू ऑफ प्राइमरी वैलेंसी दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर, सेकेंडरी वैलेंसी इज फिक्स। फॉर गिवन वैल्यू ऑफ प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी इज फिक्स। ओके, देखिए मतलब प्राइमरी वैलेंसी का मतलब है ऑक्सीडेशन नंबर और सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब है क्वाड्रिनेशन नंबर। तो इनका कहना यह था अगर आपको किसी मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर मालूम हो तो उसका क्वाड्रिनेशन नंबर हमें अपने आप पता चल जाता है। आल्दो बच्चों ये पॉइंट कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, डेविएशन होते हैं लेकिन बेटा 95% ये काम करता है। और डेविएशन साइंस में कहां नहीं होते, कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां डेविएशन नहीं होते, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो साइंस में लगा रहता है, साइंस जो है अपवाद से भरी हुई है। ओके, तो इन्होंने बताया कि अगर प्राइमरी वैलेंसी किसी की फिक्स कर दी जाए तो उसका सेकेंडरी वैलेंसी भी क्या होता है, फिक्स होता है। जैसे ध्यान रखिए कंट्रडिक्शन हर जगह मिलते हैं, यहां भी मिलेंगे, लेकिन ये जो पॉइंट है बच्चों ये न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हारे लिए अमृत साबित होगा, अमृत। बहुत सारे क्वेश्चंस इस पॉइंट से निकलते हैं, ये अमृत है तुम लोगों के लिए, भले इसमें कंट्रडिक्शन होंगे लेकिन आपके लिए ये अमृत है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस निकलेंगे। ओके, आइए देखते हैं, इस इंपॉर्टेंट डाल दीजिएगा उसके ऊपर। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी मेटल की प्राइमरी वैलेंसी है +2 +1, प्राइमरी वैलेंसी का मतलब बोलो बे चार्ज ऑक्सीडेशन नंबर,
तो सेकेंडरी वैलेंसी उसकी यूजली होती है दो। क्या होती है? दो। अगर किसी का प्राइमरी वैलेंसी मतलब ऑक्सीडेशन नंबर प्लस टू है तो उसकी सेकेंडरी वैलेंसी यूजली होती है चार। और अगर किसी का प्राइमरी वैलेंसी दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर प्लस थ्री या प्लस फोर है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर यूजली होता है छह। ठीक, आवाज नहीं? बिल्कुल। जैसे यूज देखिए जरा इसका। तुम लोगों ने कल देखा था कि भाई आईयूपीएसी नाम स्पष्ट बोलता है हेक्सा साइनो कितने साइनाइड, छह। पेंटा अक्वा कितने वाटर, पांच। मतलब आईयूपीएसी लीगेंड के नंबर की एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन आपको देता है। ठीक है, अगर मैं किसी कॉम्प्लेक्स का आईयूपीएसी नाम ना बोलूं, मैंने कहा सिल्वर का साइनाइड के साथ एक कॉम्प्लेक्स है, मैंने ये बोला। अब सबको मालूम है सिल्वर पे चार्ज होता है प्लस वन, तो इसका मतलब सिल्वर का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा दो। तो कितने साइनाइड जोड़ोगे? दो। आपने दन से बिना आईयूपीएसी की हेल्प आपने दो साइनाइड जोड़ दिए, ये प्लस वन होता है, एक सीएन पे माइनस वन, दो सीएन पे माइनस टू, तो चार्ज आ गया कॉम्प्लेक्स पर माइनस वन। ओके, अगर हम लोग बात करें एनसीईआरटी की तो पहले लिखेंगे नंबर फिर लगाएंगे चार्ज। समझ में आया? यूज मैंने बोला प्लेटिनम का प्लस टू स्टेट में अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बना दो, तो भैया प्लस टू का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? चार। तो कितने अमोनिया जोड़ोगे? चार। तो ये लो भैया, बिना आईयूपीएसी के हमने कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर बना दिया। ये प्लस टू आपने बोला, ये जीरो होगा, तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे चार्ज आ गया प्लस टू। इज इट क्लियर? मैंने बोला जिंक का क्लोरीन के साथ कॉम्प्लेक्स बना दो, जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होता है प्लस टू, तो जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर भी होगा चार। तो कितने सीएल लगाएंगे? चार। प्लस टू माइनस फोर, तो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज आ गया माइनस टू। कोई प्रॉब्लम है क्या? मैंने कहा प्लेटिनम का प्लस फोर स्टेट में अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बनाइए, तो प्लस फोर का मतलब हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर छह, राइट? ये प्लस फोर है, ये जीरो है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज आ गया फोर प्लस। अमृत छलक रहा है, अमृत का महत्व समझ में आ रहा है कि बिना आईयूपीएसी के हम उसका फार्मूला बना सकते हैं। अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर मालूम है तो यूजली कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स होता है। क्लियर? कुछ अपवाद हर जगह होते हैं, जैसे बच्चों प्लस थ्री प्लस फोर छह होता है, प्लस टू होता है चार, लेकिन आयरन प्लस थ्री में तो छह होता ही होता है, प्लस टू में भी क्या होता है? छह। जैसे प्लस थ्री वाले छह होते हैं, प्लस टू वाले चार, लेकिन गोल्ड प्लस थ्री स्टेट में भी क्या होता है? चार। क्लियर? प्लस वन वाले होते हैं दो, लेकिन कॉपर प्लस वन में भी क्या बनाता है? चार। तो कुछ कंट्राडिक्शन अपनी जगह पर है, इसीलिए 90% ये रूल फॉलो होता है, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अमृत है। समझ में आ गया? तो येलो पेन से जो मैंने लिखे हैं कुछ कंट्राडिक्शंस हैं, ठीक है? लिखिए, फॉर गिवन वैल्यू ऑफ प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी इज फिक्स, प्लस वन का दो, प्लस टू का फोर, प्लस थ्री और प्लस फोर का सिक्स। कुछ एक्सेप्शन बता दिए,
आयरन प्लस टू में भी 6 होता है, कॉपर प्लस 1 और गोल्ड प्लस 3 में 4 होता है। ओके बेटा, ये फार्मूले में कैसे बना लो, आप हमसे सहमत है कि नहीं पहले ये बताइए, सहमत है कि नहीं है? ये चार्ज कैसे आ रहा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे क्लियर हो गया? कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो भी माल पानी है, हम सबके चार्जों को जब जोड़ देते हैं तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज आ जाता है। ओके बताइए आगे बढ़ जाए, हटा दे बेटा इसको ना, हटा ठीक। कितने लोगों ने कल मोल पढ़ लिया था, सबने पढ़ लिया? तो सब 40 क्वेश्चन सही करने की लड़ाई में शामिल हो गए, 45 आप वो तो होगा, पहले 40 की लड़ाई पार कर लेते हैं फिर 45 की भी पार हो जाएगी, है ना? हटा दे, तो हम लोगों ने देखा फॉर गिवन वैल्यू ऑफ प्राइमरी बैलेंसी सेकेंडरी बैलेंसी फिक्स। आइए इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से सब लोग देखेंगे। मैंने बोला PTCl4 .XNH3, हमारे पास ये एक मोल है, हमने इसका रिएक्शन एक्सेस ऑफ AgNO3 से कराया तो हमें AgCl के 2 मोल प्राप्त हुए। कितने मोल? 2। हमने क्वेश्चन पूछा फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक, देखना। आप इस प्रकार के सवाल शुरुआती दौर में भी कर चुके, बोलो हाँ या ना। अब मेरी बात ध्यान से सब लोग सुनेंगे, अगर आपको 2 मोल AgCl प्राप्त हो रहा है तो इसके 1 मोल ने टूटकर 2 मोल क्लोराइड प्रोवाइड करे होंगे, हाँ या ना? 2 मोल क्लोराइड प्रोवाइड करने का मतलब है कि 2 क्लोरीन काउंटर आयन के रूप में होंगे, बोलो हाँ या ना। तो सबसे पहले आपने क्या किया कि चूंकि यहां से हमें 2 क्लोराइड प्राप्त हो रहे हैं तभी 2 मोल AgCl प्रिसिपिटेट होगा, इट मींस 2Cl काउंटर आयन के रूप में होंगे और रिमेनिंग Cl लीगेंड के रूप में होंगे। आपने सबसे पहले ये रफली स्ट्रक्चर इसका बना लिया, क्लियर? बच्चों एक बात ध्यान रखना, न्यूट्रल लीगेंड कभी काउंटर आयन नहीं बनता। मैंने क्या बोला बे? न्यूट्रल लीगेंड कभी काउंटर आयन नहीं। क्यों नहीं बनता? उसका सीधा सा उत्तर है कि काउंटर आयन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के साथ आयनिक बॉन्ड बनाता है और न्यूट्रल लीगेंड जब चार्ज ही नहीं है उसके ऊपर तो आयनिक बॉन्ड नहीं बना है। इसलिए न्यूट्रल लीगेंड हमेशा बड़े ब्रैकेट के अंदर ही होता है, क्लियर? सुधर ले बेटा। यहां से मुझको यह इंफॉर्मेशन मिली कि 2Cl बड़े ब्रैकेट के बाहर होंगे, बाकी सब कुछ बड़े ब्रैकेट के अंदर होगा, खत्म करो बात। अब सवाल है एक्स की वैल्यू क्या होगी? बेटा अकॉर्डिंग टू अमृत वाला पॉइंट, यहां पे प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या, बोलो, और +4 का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? 6। 2 हो चुका है, कितना और चाहिए? 4। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, हाँ या ना? अब जब आप लोगों ने ये देखा कि फॉर गिवन वैल्यू ऑफ प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स होती है, आपने उसका यूज भी देख लिया।
अब हम लोग वर्नर की थ्योरी को आगे बढ़ा रहे हैं, कुछ डिफरेंसेस है बच्चों प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी, आप आधे आधे में करके लिखिएगा। आइए, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, देखिए। अब पेन जरा बंद कर दीजिए और नजरें सामने रखिए, लास्ट पॉइंट है, वर्णन खत्म हो जाएगा, पेन बंद कर दो। देखो, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी को एक एग्जांपल से हम पूरा समझा देते हैं और आप कभी भी नहीं भूलेंगे, ठीक। मान लो समझाने के लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं, थोड़ा सा और नीचे कर दे, CO LS3 का होल 5 CL, सब तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा, मैं जितने भी पॉइंट्स लिखवाऊंगा, ठीक। सुनो, गोली मारो इसको, तुम लोग एक काम करो मेरा, जरा कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर और जरा कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल कर दिखाओ, ठीक। देखना, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे, 5 × 1, बोलो बे, प्लस 1, आंसर इज। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ लिगेंड मल्टीप्लाइड बाय इट्स डेंसिटी। अमोनिया मोनोडेंटेड है, एक अमोनिया से एक तो 5 अमोनिया से 5, एक सीएल से एक तो 5 और 1 6, मुंह जवानी भी कर सकते थे। अच्छा, अब हम लोग निकालेंगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर, निकालो X प्लस 5 × 0 − 1 − 2 बराबर, बोलो जी। तो यहां जब सॉल्व करोगे X बराबर प्लस, ठीक। देखिए, सारी चीजें खत्म हो गई, सुनना। जो सेकेंडरी वैलेंसी है, सेकेंडरी वैलेंसी में न्यूट्रल लीगेंड का भी योगदान है और एनायनिक लीगेंड का भी योगदान है, जबकि जो प्राइमरी वैलेंसी है ऑक्सीडेशन नंबर, उसमें न्यूट्रल लीगेंड का कोई भी योगदान नहीं है, सिर्फ योगदान है एनायनिक लीगेंड का। हाँ या ना, पहला पॉइंट, प्राइमरी वैलेंसी बोले तो ऑक्सीडेशन नंबर इज सेटिस्फाइड ओनली बाई एनायनिक यूनिट, आया ना, नॉट बाई न्यूट्रल, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाई बोथ एनायनिक यूनिट एस वेल एस न्यूट्रल यूनिट। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, पहला पॉइंट। इट इज सेटिस्फाइड by anionic unit, यहां पे लिखेंगे, it is satisfied by both anionic and neutral यूनिट। समझ में आ रहा है, रट्टाफिकेशन तो नहीं मारना पड़ रहा है, क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, सोचो सोचो, तुमने ये बोला कि जो सेकेंडरी वैलेंसी होता है वो एनायनिक यूनिट से भी सेटिस्फाई होता है और न्यूट्रल से भी सेटिस्फाई होता है, सहमत हो? अब तरह सोचो बेटा, एनायनिक यूनिट तो बड़े ब्रैकेट के बाहर भी है और बड़े ब्रैकेट के अंदर भी है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर में जो बड़े ब्रैकेट के अंदर होते हैं सिर्फ उन्हीं का योगदान होता है, बड़े ब्रैकेट के बाहर वाले का कोई योगदान नहीं होता, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी में न्यूट्रल वाला तो बेकार हो गया, एनायनिक वाला देखिए चाहे अंदर हो
उसका भी योगदान है, चाहे बाहर हो उसका भी योगदान। कहने का तात्पर्य पॉइंट नंबर टू है, प्राइमरी वैलेंसी को जो सेटिस्फाई करते हैं वो बड़े ब्रैकेट के अंदर भी होते हैं और बड़े ब्रैकेट के बाहर भी होते हैं, लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी को जो सेटिस्फाई करते हैं दे मस्ट बी रिटेन इनसाइड द बिग ब्रैकेट, उन्हें कभी भी हम ब्रैकेट के बाहर नहीं लिख सकते। समझ में आया पॉइंट कि नहीं आया? क्लियर? लिखेंगे लिखेंगे। यूनिट सेटिस्फाइंग प्राइमरी बैलेंसी में रिटर्न इनसाइड और आउटसाइड टू ब्रैकेट। समझ में आया कि नहीं आया? क्लोराइड को चाहे अंदर लिख दो चाहे बाहर लिख दो वो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा, लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी को जो सेटिस्फाई करते हैं वो हमेशा बड़े ब्रैकेट के अंदर होते हैं। यूनिट सेटिस्फाइंग सेकेंडरी वैलेंसी आर ऑलवेज रिटेन इनसाइड द ब्रैकेट। बड़ा क्लियर हो गया? बोलो। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट बताया जाए। सब में लिख लिया इसको, जरा अगला पॉइंट देखिए। बताया, साल में देखो, ये जो बड़े ब्रैकेट के बाहर है ये प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, सेकेंडरी को तो कर नहीं सकता। ऑक्सीनेशन नंबर में कंट्रीब्यूशन है, कोऑर्डिनेशन नंबर में कंट्रीब्यूशन नहीं। आप देखना, और जब तुम इसको पानी में घोलोगे तो यही तो टूट कर बाहर जाएगा कि अंदर वाला है, बाहर वाला जाएगा। कहने का तात्पर्य प्राइमरी वैलेंसी आर आयोनाइजेबल बट सेकेंडरी वैलेंसी आर नॉन आयोनाइजेबल। समझ में आया? जो पानी में टूट जाए वो आयोनाइजेबल और जो पानी में ना टूटे वो नॉन आयोनाइजेबल। सब लोग सहमत हैं? लिखेंगे लिखेंगे। आयोनाइजेबल वैलेंसी यहां लिखेंगे, नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी। नेक्स्ट नेक्स्ट बताओ, सुनना। जो यूनिट, ध्यान दो भाई, जो यूनिट यू से लिख दे रहे हैं, अमोनिया सीएल यूनिट यू लिख दे रहे हैं, जो यूनिट प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करती है उन्हें हम मेटल से डॉट डॉट से जोड़ते हैं। बोलो भाई किससे? बोलो किससे? और जो यूनिट सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करती है उन्हें एक सीधी लाइन से जोड़ते हैं, एक सॉलिड लाइन से जोड़ते हैं। इनको जोड़ते हैं टूटी हुई लाइन डॉट डॉट से और इनको जोड़ते हैं सॉलिड लाइन से। प्राइमरी वैलेंसी को जो सेटिस्फाई करते हैं डॉट 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 और सेकेंडरी वैलेंसी को जो सेटिस्फाई करते हैं सॉलिड लाइन।
क्लियर? तो सोच के बताना, जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा उसको सॉलिड लाइन भी लगाएंगे उसमें हम, और बोलो डॉट डॉट भी लगाएंगे। इसका मतलब होगा ये प्राइमरी को भी सेटिस्फाई कर रहा और सेकेंडरी, लिखना नहीं है अब। देखे तो हमसे क्या सीख रहे हो, जो मैं पूछूं इसके बारे में जवाब देना। दोगे? क्वेश्चन नंबर वन, अगर ये यूनिट दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रही है देन इट मस्ट बी न्यूट्रल और एनायनिक। बोलो Anionic. बोलो Anionic. पक्की बात हो गई। क्वेश्चन नंबर टू, अगर ये दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये बड़े ब्रैकेट के अंदर होगा या बाहर? बोलो अंदर। बात समझ में आ गया? क्लियर हो गया पॉइंट? इसको लिख लीजिए। ओके बेटा, क्लियर हो रहा है पॉइंट? याद बिल्कुल मत करिएगा, एक एग्जांपल से सारी चीजें क्लियर कर लेना। देखिए आप वास्तव में कुछ सीखे या नहीं जरा बताना। अगर मैं इस एग्जांपल में आपसे कहूं बताओ इस अमोनिया को इस मेटल से कैसे जोड़ोगे, बोलो नहीं? अंदर है, कोऑर्डिनेशन नंबर को सेटिस्फाई पक्का करेगा, न्यूट्रल है, ऑक्सीडेशन नंबर को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसको जब इससे जोड़ोगे तो एक सॉलिड लाइन से जोड़ोगे, हाँ या ना? हाँ या ना? नेक्स्ट, ये वाला सीएल एनायनिक है, कोऑर्डिनेशन नंबर को भी सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि बड़े ब्रैकेट के अंदर है, और एनायनिक होने के कारण प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करेगा। तो इसको जब आप जोड़ोगे इससे तो एक सॉलिड लाइन भी लगाओगे, और बोलो डॉट 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 भी लगाओगे। दिखाई पड़ गया? नेक्स्ट पॉइंट, ये वाला सीएल बड़े ब्रैकेट के बाहर है, कोऑर्डिनेशन नंबर को सेटिस्फाई कर ही नहीं सकता, सिर्फ सेटिस्फाई कर रहा होगा प्राइमरी वैलेंसी को। तो इसको जब भी जोड़ोगे डॉट डॉट डॉट। कुछ समझ में आया कि नहीं? कुछ समझ में आया कि नहीं? बाद में बना लेना इसको, हम समय दे देंगे। उस पॉइंट का मतलब समझ में आ गया ना? अच्छा सुनना बेटा, लास्ट पॉइंट में बताने जा रहा हूं वो सुन लीजिए। जो यूनिट सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करती है दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर को, वो कॉम्प्लेक्स के ज्योमेट्री को डिसाइड करती है। अभी आप थोड़ी देर में 5 मिनट के बाद पढ़ने वाले हो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, कोऑर्डिनेशन नंबर को देखकर हम बताते हैं कि उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हाइब्रिडाइजेशन sp3, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हाइब्रिडाइजेशन sp। ऑक्सीडेशन नंबर को देखकर हमें ज्योमेट्री का पता नहीं लगता, इसलिए हम लोग कहते हैं कि प्राइमरी वैलेंसी ज्योमेट्री को डिसाइड नहीं करती लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी ज्योमेट्री को डिसाइड करती। यही बच्चों लास्ट पॉइंट है, यही लास्ट पॉइंट है, लिखेंगे नो रोल इन ज्योमेट्री, और इसमें लिख लो इट डिसाइडेड ज्योमेट्री। ठीक है बेटा, हमने आपको इस प्रकार से प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी को डिफ्रेंशिएट किया, एक भी पॉइंट मैंने आपको रटने को नहीं बोला। समझेंगे तो अच्छा, वरना खेल बेकार। खत्म हो गए पॉइंट, अब इसके नीचे आप उसी को बना लो, कभी भी आपको रिवाइज करने में दिक्कत नहीं होगी। ओके इसको बना लीजिए, कभी भी रिवाइज करेंगे तो ये 5 पॉइंट आपको दिखाई पड़ जाएंगे सर ने इसमें क्या समझाया है।
ध्यान से पढ़ते रहिएगा, धीरे धीरे कठिनाइयां आती जाएंगी, ठीक है। और सबसे पहले ध्यान रखिए, बड़े ब्रैकेट के बाहर जो होता है वो आयोनाइजेबल होता है, अंदर वाला नहीं होता है। आगे बढ़ा जाए, देखना बेटा, ये तो विकास पोरवाल के बनाने का एक रफली तरीका था। आप जानते हैं इसको आपकी किताबों में कैसे बनाया जाता है, जरा वो भी देखिए। चलो तैयार है, ये देखिएगा, आप नीचे लिख रहे हैं, ठीक है, हटा दें इसको, देखना। अब जैसे मान लो आपके एग्जाम में सवाल आ जाए कि इस कॉम्प्लेक्स को वर्नर के अकॉर्डिंग सजाकर दिखाइए, किसके अकॉर्डिंग, तो बहुत ही आसान हो गया आपके लिए सजाना। ये रहा सेंटर मेटल, ठीक, कितने अमोनिया है, 5, 1, 2, सीएल कितने हैं, 3, 3, जितने भी यूनिट थी आपने इसके चारों तरफ अरेंज करनी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब देखना, न्यूट्रल वाला प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई, बोलो नहीं, ये जब भी करेगा सेकेंडरी को करेगा, बड़े ब्रैकेट के अंदर है सिर्फ सेकेंडरी को कर रहा है, इसको हम लोग कैसे जोड़ोगे, सॉलिड लाइन से। ये क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, जो सीएल अंदर है वो प्राइमरी को भी सेटिस्फाई करेगा और सेकेंडरी को भी करेगा, तो उस सीएल को आप कैसे जोड़ेंगे बताइए, सॉलिड लाइन भी और डॉट 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 भी, सहमत है। जो दो सीएल बड़े ब्रैकेट के बाहर है वो सिर्फ सेटिस्फाई करेंगे प्राइमरी वैलेंसी को, तो इनको आप कैसे जोड़ोगे, डॉट 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 से, ओके। किताबों में ऐसे नहीं, आपको ऐसे मिलेगा, समझ में आया, बना। अपने मन से बनाओ, ये सीएल को मैंने बीच बीच में लगा दिया, ऐसा कोई रूल नहीं होता है। आप तीनों सीएल एक साथ लगा दीजिए, पांचों अमोनिया एक साथ लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यस, दिस इज ऑल अबाउट द वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी, क्लियर। ये बना लिया, अगर बना लिया तो आओ, अब लगे हाथ मेरे स्टूडेंट बोलेंगे, चलो इसको देखकर कॉम्प्लेक्स बनाओ, बनाओ। सबसे पहले सीओ, अब तुम लोग बोलो, जहां पर सिर्फ सॉलिड लाइन है मतलब वो बड़े ब्रैकेट के अंदर होगा, सिर्फ सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा, हाँ या ना, yes, तो पांचों के पांचों अमोनिया आ गए। एक सीएल ऐसा भी है जिसमें सॉलिड लाइन है तो ये भी बड़े ब्रैकेट के अंदर होगा, और जिसमें सिर्फ डॉट डॉट होंगे वो बड़े ब्रैकेट के बाहर। क्या यही चित्र पहले बना हुआ था? तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं कि चित्र बनकर आ जाएगा और आपसे पूछेंगे बताइए इसका फार्मूला क्या होगा। कर लोगे सवाल, बोलो बच्चों। इस प्रकार से खत्म हुआ वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं।
वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ी थी और ये हमें बताता है हाउ ए कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म। कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी एक प्रकार के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं जो अनइक्वल ओवरलैपिंग से बनते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड बनता है जब एक इलेक्ट्रॉन मैंने दिया, एक इलेक्ट्रॉन तूने दिया, इसे कहते हैं इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं दोनों इलेक्ट्रॉन मैंने दिए, तुम खाली हाथ आए, दिस अनइक्वल शेयरिंग इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जैसे आइए थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग अगर रिवाइज करें, मैंने बोला ए और बी के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया और एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया तभी ये बॉन्ड बना होगा। सुनना जरा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आपने पढ़ा होगा कि कोवेलेंट बॉन्ड आर फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। पढ़ा आपने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। ऐसा वो क्यों बोलते हैं? हाफ फील्ड वो इसलिए बोलते हैं मेरे भाई, तो एक इलेक्ट्रॉन तुमने दिया है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन लेकर तुम आओ, और एक इलेक्ट्रॉन तुमने दिया तो एक इलेक्ट्रॉन लेकर तुम आओ। बोलो हाँ या ना? जब एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर ये आएंगे और आपस में ओवरलैप करेंगे तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि इस कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनती है, ये केमिकल बॉन्डिंग में आपने सीखा था, बाय द ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। ये भी हाफ फिल्ड है एटॉमिक ऑर्बिटल, ये हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है बी का, ये ए का, दोनों के हाफ फिल्ड ने ओवरलैप किया तो एक कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। आपने पढ़ा होगा जब ये ओवरलैपिंग एंड टू एंड होती है तो सिग्मा बनता है, और लैटरल होती है तो पाई बनता है। ठीक है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल मे बी एस ऑर्बिटल, मे बी पी ऑर्बिटल, मे बी डी ऑर्बिटल। ठीक, अब चलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। देखना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब होता है कि मेरे भाई साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक एटम देता है, मालूम है कि नहीं? मालूम, जो देता है उसे हम लोग कहते हैं डोनर और दूसरे वाले को हम लोग कहते हैं एक्सेप्टर। सहमत हो गई? अब सुनना, फील करना, अब की बार दोनों के हाफ फिल्ड ऑर्बिटल आएंगे या डोनर का फुलफिल्ड और एक्सेप्टर का एम्प्टी? डोनर का फुलफिल्ड और एक्सेप्टर का एम्प्टी। क्योंकि डोनर लेके आ रहा है दो इलेक्ट्रॉन, तो ये लेके आ रहा होगा दो इलेक्ट्रॉन और ये लेके आ रहा होगा जीरो इलेक्ट्रॉन, मतलब इसका होगा फुल फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल और एक्सेप्टर का होगा एम्प्टी एटॉमिक ऑर्बिटल। बोलो हाँ या ना? बोलो बेटा, हमारे स्टूडेंट जानते हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कॉम्प्लेक्स में बनता है लीगेंड टू सेंटर मेटल, मतलब यहां पर डोनर होगा लीगेंड और एक्सेप्टर होगा सेंटर मेटल। क्या आप लोग सहमत हैं? बोलो, ये दोनों ओवरलैप करेंगे, यहां पर दिखा दे रहे ओवरलैपिंग। और इस प्रकार से कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। दोनों की कंपेटिटिव स्टडी समझ में? इक्वल शेयरिंग, तो एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर आओ, हाफ फिल्ड हाफ फिल्ड। अनइक्वल शेयरिंग,
तो जो दो इलेक्ट्रॉन दे रहा उसका फुलफिल्ड ऑर्बिटल होगा और जो ले रहा है उसका एम्प्टी ऑर्बिटल होगा। इतना क्लियर हो गया? अब आओ फील करते, हम लोग पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसमें सेंटर मेटल कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक्सेप्ट करता है, कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर। कोऑर्डिनेशन नंबर दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक्सेप्ट करे तो, कोऑर्डिनेशन नंबर चार कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक्सेप्ट करे चार, कोऑर्डिनेशन नंबर छह कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक्सेप्ट करे छह। तो क्या यहां से रिजल्ट ये नहीं निकल रहा कि सेंटर मेटल जो कि एक्सेप्टर है, जो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक्सेप्ट कर रहा है, उसके पास उतने ही एम्प्टी ऑर्बिटल होने चाहिए जितने वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। और कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है? कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि सेंटर मेटल मस्ट हैव एम्प्टी ऑर्बिटल इक्वल टू इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर? कह सकता अगर किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर दो है तो उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल भी दो होने चाहिए, अगर किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर छह है तो एम्प्टी ऑर्बिटल भी छह होने चाहिए। बच्चों यही एम्प्टी ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं और हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं और इस फिनोमिना को कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो इस पॉइंट को मैं आपको बताना चाहूंगा कि दस सेंटर मेटल लिखिया पूरा ऊपर से लिखिए, दस सेंटर मेटल मस्ट हैव एम्प्टी एटॉमिक ऑर्बिटल इक्वल टू इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर फुल स्टॉप। दीज एम्प्टी ऑर्बिटल get intermixed and form equal number of new hybrid orbital। बिना बात सहमत है? क्लियर हो गया? इस सेंटेंस को इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर लो। तो जिसको ये फंडा क्लियर होता है वो समझ जाता है कि एम्प्टी ऑर्बिटल क्यों होने चाहिए। जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उतने कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो एक्सेप्ट करेगा, उतने एम्प्टी ऑर्बिटल होने चाहिए। यही एम्प्टी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं और हाइब्रिड ऑर्बिटल को बनाते हैं। ये जो सेंटेंस लिखवाया क्लियर हो गया? तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो हमें बताती थी पहले कैसे बनता है कोवेलेंट बॉन्ड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से, वही हमें बताती है कैसे बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। डोनर का होता है फुलफिल्ड ऑर्बिटल और एक्सेप्टर का होता है एम्प्टी ऑर्बिटल, दोनों ओवरलैप करते हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बनाते हैं। चूंकि कॉम्प्लेक्स में एक्सेप्टर सेंटर मेटल होता है
तो जितना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उसके पास उतने ही एम्प्टी ऑर्बिटल होने चाहिए। यही एम्प्टी ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं और नए हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। बच्चों इसी फिनोमिना को कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है? आइए इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं हम लोग। क्या आपने ये लिख लिया? बड़ा ये लिख लिया आप लोगों ने? सब लोग बताओ। ये थ्योरी आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ी थी। अब नहीं पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग मान लो, तो हमने थोड़ा सा आपको यहां पर बता दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक, चलिए देखिए जरा बेटा, आइए इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। देखो जरा बेटा, ये रहा कोऑर्डिनेशन नंबर, ये रहा हाइब्रिडाइजेशन, ये रहा ज्योमेट्री। सब लोग देखेंगे जस्ट, मान लो सेंटर मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर है 2, कितना है? मतलब उसके पास कितने एम्प्टी ऑर्बिटल होने चाहिए? 2। दोनों को इंटरमिक्स कर दोगे तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, तो एक एस एक पी हाइब्रिडाइजेशन हो गया एसपी। एस भी एम्प्टी होगा ध्यान रखना, और पी भी, और ये दोनों एम्प्टी आपस में मिक्स हो जाएंगे और हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा एसपी। एसपी का ज्योमेट्री सबको मालूम है, ठीक? बोलो आया ना। मान लो कोऑर्डिनेशन नंबर है 4, 2, 4, 6 सबसे ज्यादा कॉमन होते हैं, ठीक है? सुनना, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4, ध्यान से सुनना, कितने एम्प्टी ऑर्बिटल होने चाहिए? 4। आपस में मिला दोगे हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, सुनना। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन की 2 पॉसिबिलिटी बनती है, 1 एम्प्टी एस और 3 एम्प्टी पी को मिला दिया तो हाइब्रिडाइजेशन बन गया sp3, जिसका ज्योमेट्री होता है टेट्राहाइड्रल, ठीक। और अगर 1 एम्प्टी डी, 1 एम्प्टी एस और 2 एम्प्टी पी को मिला दिया तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया dsp2, और इसका शेप होता है हेड्रल होता है, हाइड्रल ई होता है। इसका बच्चों ज्योमेट्री होता है स्क्वायर प्लेन। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 केस बनते हैं, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल, और अगर dsp2 है तो स्क्वायर प्लेन। कितने लोगों को मिला होंगे? 4। चारों कैसे होंगे? एम्प्टी, 1 एस 3 पी sp3 हो गया, 1 डी 1 एस 2 पी dsp2 हो गया ना। अच्छा बच्चों ध्यान रखना, जब हाइब्रिडाइजेशन dsp2 होता है तो ये कौन सा डी होता है? dx² - y² कुछ याद है आपको? डी ऑर्बिटल 5 प्रकार के होते थे, dxy, dyz, dxz, dx² - y² और dz² ठीक है। कौन सा डी होता है इस हाइब्रिडाइजेशन में? dx² - y² ठीक। तो लिखते रहा तो बेटा, इसको भी समय लोगों लिखने का। 2 कोऑर्डिनेशन नंबर है एसपी, ज्योमेट्री लीनियर। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, sp3 भी हो सकता टेट्राहेड्रल, और dsp2 भी हो सकता है स्क्वायर प्लेनर। आज बेसिक बता देंगे पूरा।
तो अगर आगे बढ़ाते इसको, चलिए चार के बाद चलते हैं पांच में। इधर देखो बेटा, अगर क्वाड्रिनेशन नंबर पांच है तो कितने इंपटी ऑर्बिटल होने चाहिए? पांच। बड़ा यहां पर भी दो केस बनते हैं, यहां पर भी दो केस बनते हैं, एक इंपटी एस, तीन इंपटी पी और एक इंपटी डी आपने ले लिया, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया एसपी थ्री डी, सेफ हो गई ट्राइगोनल। आगे बोले यार, बाई पिरामिडल। ये वही सेफ हो गई जो केमिकल बॉन्डिंग में भी आपने पढ़ी थी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्या बेटा दूसरा भी हाइब्रिडाइजेशन तो यही होता है, अंतर बस इतना है कि अगर ये डीजेड स्क्वायर है तो इसे कहते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, और अगर ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो इसे कहते हैं स्क्वायर पिरामिडल। सबसे कॉमन ऊपर वाला होता है, ओके। अगर ये डी डीजेड स्क्वायर है तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, और अगर ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो स्क्वायर पिरामिडल। ठीक, ये कुछ याद करना पड़ता है, ये बातें बड़े क्या करनी पड़ती है, याद कर। इन्हें समझाने बैठेंगे तो हो गया गेम, एक दिन कोई सीम लग जाए, मॉडल लेकर आओ फिर उसको समझाएं, असंभव वाला काम हो जाए। ठीक है, कोई मतलब नहीं इस चीज को समझने का और समझाने का, अच्छा रहता है कि इन चीजों को हम लोग क्या करें, याद। स्क्वायर प्लेनर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल डी जेड स्क्वायर, स्क्वायर पिरामिडल डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। समझने का कभी प्रयास करना मत, बिल्कुल बेकार चीज है इसको समझना। ठीक, लास्ट में बेटा हम लोग जा रहे हैं क्वाड्रिनेशन नंबर, बोलो छह, वो लास्ट है आपके लिए, उसके आगे हम लोग को नहीं जाना। क्वाड्रिनेशन नंबर छह, कितने इंपटी ऑर्बिटल होंगे जवान? छह। जिनको इंटरमिक्स कर देंगे तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, समझो बेटा। यहां पर भी दो केस बनते हैं, एक इंपटी एस, तीन इंपटी पी, दो इंपटी डी, एसपी थ्री डी टू, छह हो गए, एक तीन और दो, एक एस तीन पी दो डी। क्या ये भी पॉसिबल है, पहले दो डी आ जाए फिर एक एस आ जाए और फिर तीन पी आ जाए, ये डी टू एस पी थ्री, अंतर समझिए, यहीं पर समझो, यहीं पर। इसका बेटा मतलब ये होता है, जिस सेल का एस लिया उसी सेल का पी और उसी सेल का डी, तो इसे कहते हैं एसपी थ्री डी टू। और इसका मतलब ये होता है, जिस सेल का एस लिया उस सेल का पी लिया और उसके अंदर वाली सेल का डी लिया, तो इसे कहते हैं डी टू एसपी थ्री। क्लियर? आप बच्चों जानते हैं दोनों का ज्योमेट्री सेम होता है, ऑक्टाहेड्रल। बच्चों बोलो क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल। दोनों का ज्योमेट्री होता है सेम, That is octahedral. ठीक, अच्छा सुन बेटा, दोनों में आप लोग देख रहे हैं इसने अंदर वाली डी का इस्तेमाल किया है और इसने बाहर वाली डी का इस्तेमाल किया, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं आउटर डी कॉम्प्लेक्स। बच्चों बोलो क्या? बच्चों बोलो क्या? आउटर डी कॉम्प्लेक्स या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और इसने बेटा अंदर वाली डी का इस्तेमाल किया तो इसे हम लोग कहते हैं इनर डी कॉम्प्लेक्स या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स।
चलो भाई, हमारे छात्रों ने हाइब्रिडाइजेशन एटलीस्ट सीख लिए, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन आप लोगों ने सीख लिए, ओके। एक मिनट दे रहे हैं, सिर्फ एक मिनट। वीबीटी देखो बस, और कुछ नहीं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देखेंगे बस। जल्दी से, सिर्फ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखा, देख लो आराम से, कोई दिक्कत ना हो। ओके राइट आज आप लोगों ने मुझसे ब्रिज कॉम्प्लेक्स का आईयूपीएसी नेमिंग सीखा। दो तरीके बताए मैंने आपको। वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी देखा, उसमें बहुत सारी चीजें आपने सीखी, बड़ी अच्छी अच्छी बातें हमने सिखाई। फिर हम लोगों ने चालू कर लिया आज की क्लास में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसमें आपने सीखा सेंटर मेटल का जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उसके पास उतने ही इम्पटी ऑर्बिटल होने चाहिए। यही इम्पटी ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होते हैं और हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं। सवाल ये उठा, इनके पास इम्पटी ऑर्बिटल क्यों होने चाहिए? ताकि ये लीगेंड के लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सके, क्योंकि लोन पेयर एक्सेप्ट करने के लिए एक्सेप्टर के पास खाली डब्बा होना चाहिए, तभी वो उसमें दो इलेक्ट्रॉनों को एकोमोडेट कर पाएगा। अगर उस डब्बे में पहले से एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन हुए तो इलेक्ट्रॉनों की एंट्री नहीं हो सकती है, क्योंकि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है एक ऑर्बिटल में अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। हमारे छात्रों ने देखा कोऑर्डिनेशन नंबर दो भी मेरे लिए बेकार है, सबसे पॉपुलर होते हैं चार और छह, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों। चार में देखा आइदर sp3 टेट्राहेड्रल, आइदर dsp2 स्क्वायर प्लेनर। छह में देखा sp3d2 ऑक्टाहेड्रल, आउटर डी हाई स्पिन, d2sp3 ऑक्टाहेड्रल, इनर डी लो स्पिन। अंतर ये, जिस सेल का s उसी का p उसी का d, आउटर डी। जिस सेल का एस और पी उसके अंदर वाली सेल का डी इनर डी। खत्म करें बात, आइए, कोई जरूरत नहीं तुम लोगों की, हटो। अब हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे लिगेंड्स को लेकर। सुनो बेटा, आपने बहुत सारे लिगेंड मुझसे पढ़े, मोनोडेंटेड बाइडेंटेड क्या क्या नहीं पढ़ा। बच्चों वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम लोग इन लीगेंड को दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, वीक लीगेंड और स्ट्रॉन्ग लीगेंड। बेटा बोलो किसमें? वीक लीगेंड और स्ट्रॉन्ग लीगेंड, दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, वीक लीगेंड और स्ट्रॉन्ग लीगेंड। सब लोग सहमत हैं? सुनना,
सर ये वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड में अंतर क्या होता है? तो देखो बेटा, ये जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं दे कॉजेस पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेंटर मैटर. दे कॉजेस पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेंटर मैटर. मैं समझाऊंगा, अभी परेशान मत. अब मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूं सुन लेना बेटा. मैंने पढ़ाने का तरीका ऐसा बना लिया है कि मैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और इससे भी जो एडवांस थ्योरी है जो कल पढ़ोगे शायद आप, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, मैं दोनों को मर्ज करके बच्चों को पढ़ाता हूं. दोनों को मिला दिया. तो कोई भी क्वेश्चन हो आप हमसे पढ़ने के बाद वीबीटी से भी सॉल्व कर सकते हो और सीएफटी से भी सॉल्व कर सकते हो. अगर किताबी तरीके से मैं आपको पढ़ाऊं तो बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो वीबीटी से सॉल्व नहीं हो पाएंगे, सीएफटी की हेल्प लेनी पड़ेगी. हमने दोनों थ्योरी को मिलाकर एक निचोड़ निकाला. फिर चाहे तुम वीबीटी लगाओ चाहे तुम सीएफटी लगाओ, तुम्हारा आंसर दोनों से सेम है. क्या है ये वो निचोड़ सुनना. D4, D5, D6, D7. आपको मालूम है डी सबसेल में 5 d ऑर्बिटल होती है, DXY, DYZ जो मैंने भी बताए थे. इसीलिए डी सबसेल में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉनों को रखा जा सकता है, D1 से D10. ठीक सुनना बेटा. अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो जो पेयरिंग होती है वो D4 से D7 तक होती है. ना D1, D2, D3 में पेयरिंग होगी और ना D8, D9 और D10 में पेयरिंग होगी. अभी पेयरिंग का मतलब समझा देंगे, परेशान मत हो. और अगर बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या 5 है तो एक और बढ़ा लो D8. मतलब आप स्ट्रॉन्ग लीगेंड होने पर पेयरिंग कहां से कहां तक कराएंगे, D4 से D8. ठीक है. अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो पेयरिंग होती है जब डी सबसेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से 7 हो. और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या 5 है तो पेयरिंग होती है जब डी सबसेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से 8. ठीक, लिख लीजिए. मतलब अब बताने जा रहे हैं पेयरिंग का मतलब क्या है, अब बता रहे हैं. अब चाहे तुम क्वेश्चन बीबीटी से सॉल्व करना चाहे सीएफटी से, दोनों से आंसर सेम आएंगे. कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में D4 से D7 पेयरिंग करवाएंगे और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या 5 में D4 से D8 में पेयरिंग करवाएंगे. याद ऐसे रख सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर छोटा तो लंबाई हो गई ज्यादा. ठीक है, ज्यादा इलेक्ट्रॉनों तक यहां पेयरिंग होगी और यहां कम इलेक्ट्रॉनों तक पेयरिंग होगी. बच्चों ये मत सोचना कि पूर्वा से ही रटवा रहे हैं. एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, एक एक चीज. यहां से यहां तक ही क्यों है, नीचे क्या प्रॉब्लम, ऊपर क्या प्रॉब्लम, इसमें एक नंबर बढ़ क्यों गया, एक एक चीज एक्सप्लेन होगी. क्योंकि मैंने वीबीटी और सीएफटी को मिला के रूल बनाया है इसलिए अभी उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बाद में करेंगे. ठीक, अब सुनना जरा पेयरिंग का मतलब क्या है. तो ये भी देखो, जैसे हमें मालूम है डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होते. कितने होते हैं? 5. इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा है,
पहले सारे ऑर्बिटलों को एक एक इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, हाँ या ना, और फिर इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करवाई जाती है। यही आप लोगों ने पढ़ा है, हमने भी यही पढ़ा, सुनना। मान लो डी वन है, तो डी वन का मतलब एक दो तीन चार, आपने पांच बनाए और चुपचाप एक इलेक्ट्रॉन को भर दिया। पेयरिंग का मतलब ही नहीं इसमें उठता, एक ही इलेक्ट्रॉन है, काहे बात की पेयरिंग। दो इलेक्ट्रॉन भरने थे, फील करिए सब लोग, एक दो तीन चार पांच, आपने जैसा आप लोग पढ़ते हो एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, फिलिंग कर दी। अब सुनना, डी टू में भी पेयरिंग का कोई चांस नहीं है, क्योंकि डी वन डी टू डी थ्री में कोई पेयरिंग नहीं होती। पेयरिंग का मतलब यह होता है कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन उठकर पेयर हो जाते। ये कहानी डी थ्री के आगे से चालू होगी, डी वन डी टू डी थ्री में इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग, चाहे कोऑर्डिनेशन नंबर छह हो, चाहे चार हो, चाहे पांच हो। अब इसी में समझा दे रहे हैं, ठीक है। मान लो कॉन्फ़िगरेशन है डी फोर, समझना, तुमने सबसे पहले अपने नॉर्मल तरीके का इस्तेमाल किया कि भाई सबको एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे। तुम्हें मालूम है डी फोर में अगर लीगेंड स्ट्रॉन्ग हो जाए तो पेयरिंग हो जाती। अब क्या होगा, डी थ्री तक तो पेयरिंग नहीं होती है ना, इनको नहीं छुएंगे। इसके आगे जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ये उड़ उड़ कर पीछे आ जाएंगे, अगर लीगेंड कैसा हुआ स्ट्रॉन्ग। मतलब स्ट्रॉन्ग लीगेंड की प्रेजेंस में जो तुमने D4 ये लिखा है ये नहीं रह जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा एक दो तीन चार पांच, ये हो जाएगा पेयर। बच्चों कराने को तो पेयर तुम इसको भी करा सकते हो, लेकिन पेयरिंग D3 के आगे होती है, D4 से D7, D3 तक के इलेक्ट्रॉन पीछे मूव नहीं कर सकते। समझ में आ गया, समझ में आया तो अब बताना, अब बताओ, अब तुम्हें सब समझ में, लिखो ही को नहीं कुछ, अब सब बेकार है। समझ में आ गया ना सबको, ठीक। अब देखना, मैंने बोला, चलो समझ देखो, समझ देखो, मैंने बोला D6 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 स्ट्रॉन्ग लिगेंड, मैंने ऐसे बोला, आहा स्ट्रॉन्ग हो, इलेक्ट्रॉनों को पीछे पलटाने की ताकत रखते हो, अच्छा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, D4 से D7 तक पेयरिंग होती है और D6 लिखा हुआ है, वेरी गुड, एक दो तीन चार पांच, अरे ऐसे बनाए निकाल, ये क्या कर दिया सर ने, सबसे पहले मैंने अपने इलेक्ट्रॉन अपने अकॉर्डिंग भर दिए, 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब आपको मालूम है D3 के आगे अगर इलेक्ट्रॉन है तो ये पीछे आके क्या हो जाएंगे, पेयर। तो ये आ जाएगा यहां पे पेयर होने, ये आ जाएगा यहां पे पेयर होने, तो इसका एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा, ये पेयर पहले हो गया था, ये भी पेयर हो गया और ये भी पेयर। बस समझ में आई बेटा, जो कुछ भी करोगे वो D3 के आगे वालों को पीछे लाओगे, D3 वाले कभी पीछे, क्लियर, फील करना। अगर यहां पर स्ट्रॉन्ग लीगेंड के बजाय वीक लीगेंड होता तो जो तुमने बनाया था वही रहेगा, कोई पीछे आकर पेयरअप नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको पेयरिंग का मतलब समझ में आया कि स्ट्रॉन्ग लीगेंड और वीक लीगेंड क्या करते, क्लियर। अगर समझ में आया तो जल्दी से बताना, खुद करना, खुद सोचना, बताना। D8 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 स्ट्रॉन्ग लीगेंड, बोलो क्या स्ट्रॉन्ग लीगेंड इस कॉन्फ़िगरेशन पर अपना हुक्म चला पाएगा, क्या पेयरिंग करा पाएगा? तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में सिर्फ कहां तक होता है, मतलब बच्चों सामने देखो, आपने अपने अकॉर्डिंग 8 इलेक्ट्रॉनों को भरा, 5 6 7 8,
क्या इसको अब तुम पीछे लेके जाओगे? नहीं जा सकते। कोई क्वाड्रिनेशन नंबर 6 में D8 में कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है D4 से D7। ठीक, अब बताना D8 क्वाड्रिनेशन नंबर 4 स्ट्रॉन्ग लिगैंड, फर्क पड़ेगा? अब फर्क पड़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन उड़कर पीछे आ जाएगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन बनेगा ये पेयर, ये पेयर, ये पेयर और ये भी। समझ में आया बे? बोलो समझ में आया? मैंने बोला बता ना बे, मैंने बोला D5 दोनों में पड़ेगा फर्क, क्वाड्रिनेशन नंबर 6 वीकली गैंड। बोलो कॉन्फ़िगरेशन सिंपल क्या होगा? 1 2 3 4 5 आपने अपने अकॉर्डिंग 5 इलेक्ट्रॉनों को भर दिया, क्या पेयरिंग करवाओगे? क्या कोई छेड़खानी होगी? नहीं। लेकिन अगर यहीं पे लिखा होता स्ट्रॉन्ग लिगेंड, क्या करते इन तीन के आगे, ये उड़कर इधर आता, ये उड़कर इधर आता, तो कॉन्फ़िगरेशन बन जाता विदाउट। अब बताओ वीक लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड का मतलब समझ में आया? तो क्वाड्रिनेशन नंबर 6, क्वाड्रिनेशन नंबर बड़ा तो नंबर कम D4 से D7, और क्वाड्रिनेशन नंबर 4 या अगर 5 हो जाए तो नंबर बढ़ गया D4 से D8। तुम हमसे पढ़ने के बाद चाहे BBT से कर लेना, चाहे तुम CFT से कर लेना, तुम्हारे सारे आंसर क्या आएंगे? ठीक, अब बताओ ये समझ में आ गई? अब अंतिम क्वेश्चन आपके दिमाग में उठ रहा है कि हम कैसे जानेंगे स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन और वीक लिगेंड कौन? तैयार है पूरी क्लास? आखिरी सवाल आज के लिए कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन होते हैं और वीक लिगेंड कौन होते हैं? हटा दे, बस समझ में अगर आ गया हो तो चाहो तो एक दो लिख लो, ताकि तो ठीक रहेगा। मैं चाहूंगा तुम लोग लिखो, सबसे पहले इसका लिखो बेसिक, लिखो बेसिक D4 क्वाड्रिनेशन नंबर 6 स्ट्रॉन्ग, इसका लिखो सबसे पहले कॉपी पर। सब लोग बताना कि मैंने सबसे पहले इसका लिखने को क्यों बोला होगा, क्योंकि ये तुम्हें सबसे पहले याद दिलाएगा कि तीन के आगे वाले पीछे आते हैं, तीन वाले पीछे नहीं आते। ठीक, सबसे पहले इसका लिखो, थोड़ा सा लिख लो बेटा कॉपी में, अच्छा रहेगा, वरना क्या फायदा बाद में भूल जाओ। अरे भूलोगे नहीं, फिर भी लिख लो, है ना? बना लिया सबने इसका? सबने बनाया इसका? जरा मैच करिए, मैच करिए। पहले आपने ऐसे बना दिया होगा, बोलो। फिर क्या सभी बच्चों ने ऐसे किया? और फिर इसको दिखाओ, ये पीछे आ जाएगा, बोलो किया सब लोगों ने ऐसे? और उसके बाद आपने धीरे से क्या कर दिया कि अब ये बदलकर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो D4 क्वाड्रिनेशन नंबर 6 स्ट्रॉन्ग लिगेंड आपका कॉन्फ़िगरेशन बच्चों ये होगा। सबने करके दिखाया? एक और दिखा दो, चलो ये दिखा दो। D8 क्वाड्रिनेशन नंबर 6 स्ट्रॉन्ग लिगेंड, जल्दी बताओ, जो आप बनाओगे वही रहेगा? क्या पेयरिंग होगी? क्वाड्रिनेशन नंबर 6 में पेयरिंग नहीं होती। ये वाला बनाओ, ये लिखो और ये बना दो, सबने बना दिया? ठीक, तीसरा लिखो, ये वाला लिखो, ये वाला, ये पहला था बेटा, ये दूसरा बनाओ अपनी कॉपी पर, ये तीसरा बनाओ, ऐसे कर दिया? बताओ, पहले ये वाला फिगर बनाना और इसमें ऐसे ऐसे करके दिखाना, फिर ये वाला फिगर बनाना।
इलेक्ट्रॉनों की जो उठापटक करवाते हैं वो तीन इलेक्ट्रॉनों के आगे से कराते हैं। इसीलिए मैंने आपकी कॉपी पे सबसे पहले ये वाला एग्जांपल लिखवाया। क्लियर? आप बता दें इसको। बोलो, हटाए इसको। अंतिम क्वेश्चन आज के लिए बताने जा रहे हैं, लिगेंड कैसे पहचानेंगे, स्ट्रॉन्ग कौन होते हैं और वीक कौन होते हैं। तो आइए, हम लोग को बच्चों पढ़नी पड़ती है एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको बताएगी कौन कौन से लिगेंड स्ट्रॉन्ग होते हैं और कौन कौन से होते हैं वीक। सामने देखिए, इस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे आगे रखा हुआ है CO, कार्बोनिल, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड, CO, CN माइनस, NO2 माइनस, EN, अमोनिया, एडिटा एंड NCS। आप लोग तीन टुकड़ों में याद करेंगे। पहला टुकड़ा होगा यहां से लेकर यहां तक, बोलिए, CO, CN माइनस, NO2, EN, अमोनिया, इडिटा, NCS, पहला टुकड़ा है। दूसरा टुकड़ा है वाटर ऑक्सैलेट हाइड्रोक्साइड। दूसरा टुकड़ा बेटा बोलो, वाटर ऑक्सैलेट हाइड्रोक्साइड। और तीसरे टुकड़े के लिए मैंने ट्रिक बना रखी है। आप, मैं इतना, मतलब मैं आपको बताऊं, अब लास्ट ईयर की बात ही तो है, मैं लास्ट ईयर पढ़ाया था ये मैंने पढ़ा लिया था। मैं यहां से यहां तक की ट्रिक नहीं बताता हूं, मेरी आदत नहीं है। मैं कहता हूं दो टुकड़ों में याद करो, CO, CN, NO2, EN, अमोनिया, इडिटा, NCS, वाटर ऑक्सैलेट हाइड्रोक्साइड। जो तीसरा टुकड़ा है वो बहुत कंफ्यूजिंग है, उसकी मैंने बच्चों को दी थी ट्रिक, और इसी साल उसी टुकड़े पर सिर्फ सवाल आया था, सिर्फ उसी टुकड़े पर। नीट वाले एक दिन पहले मेरी कॉपी लेके जाते हैं और सवाल फ्रेम कर ले। हम सच्चाई बता रहे, बस वहां से देखो, तुम लोग पढ़े हो ना लास्ट ईयर, ये ट्रिक बताई थी लास्ट ईयर, देखो इसके पीछे बोलो बोलो, आई बर्बादी सचिन क्लास से फरार, राइट? आई बर्बादी सचिन क्लास से फरार, इसके पीछे वाले हैं ये। और बेटा इसी साल नीट में इन्हीं में से उन्होंने उठाए थे और एक ले लिया था CN। CN तो सबको मालूम होता है, सबसे आगे होता है। यहां पे बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, तो मैं ट्रिक बताई थी, आई बर्बादी सचिन क्लास से फरार। ओके बेटा, एक लाइन में लिखना, एक लाइन में, ठीक है? दो तीन लाइन मत लिखना, एक लाइन में लिखना, एक लाइन में। नहीं आएगा? अच्छा, तो मुझे बहुत सारी बातें करनी है, तो ऐसा कर ले, तुमने काम करना बेटा, एक काम करना, इस लाइन के ऊपर इसको लिख लेना, नीचे मत ले। लिख लिया है क्या? अब तो लिख लिया तो लिख, छोड़ लो, जो लिख लिया तो लिख लिया ना। तो आई बर्बादी सचिन क्लास से फरार, भगोड़ा निकल गया क्या? बर्बादी आते भाग गया। तो आई बर्बादी सचिन क्लास से फरार, जो कंफ्यूजिंग है उसकी मैं ट्रिक बता दी, लिख लीजिएगा, आई बर्बादी सचिन क्लास से फरार। एक भी हमने जो शब्द बोले हैं सबका यूज है, कोई भी शब्द बेकार नहीं है। आई बर्बादी सचिन क्लास से फरार, ठीक? देखिए, तो तीन टुकड़ों में आपने याद किया, CO, CN, NO2, EN, अमोनिया, इडिटा, NCS, वाटर ऑक्सैलेट हाइड्रोक्साइड, उसके बाद पीछे ध्यान रखना, ये पीछे से है, ये
ठीक है, आई बर्बादी पीछे से, ठीक है, बर्बादी पीछे से, ठीक है, ये क्या होगा? अब आगे बढ़े हम लोग, अब बताए कुछ आपको, देख लो बेवकूफ हो क्या मैं, इसके बारे में नहीं बताएंगे, लिखने के बाद क्या है? आप जरा मेरी बात सुनना, ये जो बच्चों अमोनिया होता है, अमोनिया ये लीगेंड की स्ट्रेंथ में बॉर्डर लाइन पे खड़ा होता है। कहां खड़ा होता है? बॉर्डर लाइन का मतलब है कि अमोनिया के आगे वाले सब स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं, मतलब ये पेयरिंग करवाएंगे, और अमोनिया के पीछे वाले सब वीक माने जाते हैं। ठीक, अमोनिया जो होता है बहुत जगहों पर स्ट्रॉन्ग और बहुत जगहों पर वीक के तरीके काम करता है। तो सुनिएगा जरा मेरी बात, अमोनिया के आगे सब क्या मान लोगे? स्ट्रॉन्ग, फील्ड, लिगेंड। हाँ, एक बात और बता दें आपको, कुछ लोग स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को SFL बोलते हैं। क्या बोलते हैं? SFL, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और अमोनिया के पीछे ये जो लाइन लगी हुई है, ये सब बच्चों होते हैं वीक फील्ड लिगेंड, शॉर्ट में क्या बोलोगे? WFL। हम कभी नहीं बोलते स्ट्रॉन्ग और वीक ही बोलते। ठीक, अब सवाल आया ये अमोनिया आंटी क्या कर रही है? आंटी पुलिस बुला लेंगे, ध्यान दो। अमोनिया बहुत लोगों के साथ स्ट्रॉन्ग है और बहुत लोगों के साथ वीक। तो मेरी बात सुन लो, देखो फिर मैं नहीं करूंगी, अगर फिर मैं नहीं करूंगा अपने अपने जेंडर के हिसाब से लिख लो, ठीक, तो क्या नहीं बताएंगे, अंदरूनी बात है वो। फिर बेटा देखो, मैं नहीं करूंगा, हमने कहा ना अपना अपना बोलो, फिर मैं नहीं करूंगा, ये चार ऐसे कैटायन हैं जिनके साथ जब अमोनिया आता है तो वीक के तरह बिहेव करता है। अमोनिया एस वीक फील्ड लीड, और इनके अलावा कहीं अमोनिया आए तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीड है। फिर मैं नहीं करूंगा, पढ़ाई नहीं करूंगा, अच्छी अच्छी बातें सोचो है ना, बदतमीजी नहीं करूंगा, लड़ाई नहीं करूंगा, फिर मैं नहीं करूंगा, सारे प्लस टू स्टेट में ध्यान रखना, अगर प्लस थ्री स्टेट में हो गया तो मामला बदल जाएगा। प्लस टू में अगर आयरन है तो ये वीक है, अगर प्लस थ्री में आयरन आ गया तो ये क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग। इन चार के साथ अमोनिया वीक है, बाकी दुनिया के साथ क्या है? स्ट्रॉन्ग। एक पॉइंट क्लियर हो गया, नेक्स्ट नेक्स्ट। अब जगह नहीं है, आपने नीचे लिखवा दिया, वाटर और ऑक्सेलेट वीक या स्ट्रॉन्ग? वीक। अमोनिया के पीछे वाले सब वीक है, वाटर एंड ऑक्सेलेट ये भी वीक होते हैं, बट कोवाल्ट प्लस थ्री के साथ ये स्ट्रॉन्ग की तरह काम करते हैं। बोलो कैसे में? स्ट्रॉन्ग। कोवाल्ट प्लस थ्री के साथ ये स्ट्रॉन्ग की तरह काम करते हैं। लिख लिया? बोलो नेक्स्ट। कहा हो तुम्हारा ये फरार? फ्लोराइड, फ्लोराइड स्ट्रॉन्ग या वीक? बोलो वीक। परंतु भाई ये सब लिपा पोती हो जाएगी, समझ आना ठीक है। फ्लोराइड जो होता है वैसे तो बच्चों ये वीक है, लेकिन निकिल प्लस फोर के साथ स्ट्रॉन्ग की तरह काम करता है। किसके साथ में?
निकिल प्लस फोर के साथ। ये कुछ कंट्राडिक्शन थे जो मैंने आपको बताया। अमोनिया के आगे स्ट्रॉन्ग, अमोनिया के पीछे वीक, अमोनिया बॉर्डर लाइन पर खड़ा है, इन चारों के साथ काम करता है वीक, बाकी सबके साथ स्ट्रॉन्ग। वाटर और ऑक्सलेट कोबाल्ट प्लस थ्री के साथ बिहेव करेंगे, बोलो स्ट्रॉन्ग। और फ्लोराइड जो होगा वो एनआई प्लस टू प्लस फोर के साथ स्ट्रॉन्ग। अगर तुम यहां पर निकिल प्लस टू ले लोगे, बोलो वीक हो जाएगा। एनआई प्लस फोर लोगे तो स्ट्रॉन्ग। सब लोग सहमत है बेटा? ये आपको क्लियर हो गया? बताइए, बस दो मिनट लेंगे आपके। अरे बेटा दो मत नहीं, दो मिनट ले रहे सिर्फ। इसके अलावा एक दो बातें और समझ लीजिए जो आपके हेल्प करेंगी। बात नंबर वन, डीएमजी माइनस एस स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड विद निकिल प्लस टू, डीएमजी माइनस स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड विद निकिल प्लस टू, अगर सेंटर मेटल 4D या 5D सीरीज की है, अगर सेंटर मेटल 4D या 5D सीरीज की है, देन ऑल लीगेंड वर्क एज SFL स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड। 4D और 5D सीरीज की सेंटर मेटल के साथ तुम किसी भी लीगेंड को लगा दो, वो स्ट्रॉन्ग की तरह काम करेगा और पेयरिंग करवा देगा। बच्चों 4D 5D का मतलब समझ में आ गया ना? कल ही तो बताया था आपको। 3D सेक्टिव कर्मन फेको नहीं कुजर, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। इसके नीचे वाले अगर डी ब्लॉक के मेंबर हैं तो लीगेंड साला कोई भी हो, फ्लोराइड भी लगा दो ना, तो वो भी स्ट्रॉन्ग की तरह काम करता है। इट क्लियर? एंड लास्ट पॉइंट, फिर आप जाइए। बेटा जरा इस सीरीज को फिर से एक बार देख लो। सबसे आगे वो लीगेंड आपने रखे हैं जिनमें डोनर साइट है कार्बन, बोलो हाँ या ना। फिर वो लीगेंड आए हैं जिनकी डोनर साइट है नाइट्रोजन, बोलो हाँ या ना है? फिर वो लीगेंड आए हैं जिनकी डोनर साइट है ऑक्सीजन, बोलो हाँ या ना। और लास्ट में आए हैं हैलोजन। कौन आए हैं? तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता आपसे कि स्ट्रेंथ ऑफ लीगेंड में सी डोनर लीगेंड सबसे पावरफुल होते हैं, एन डोनर उससे कमजोर होते हैं, ओ डोनर उससे कमजोर होते हैं और हैलोजन डोनर सबसे कमजोर होते हैं? राइट? आज आपने VBT पढ़कर जिन बच्चों ने लास्ट ईयर कहीं और पढ़ा होगा उनको ये फील आ गया होगा कि हाँ, चाहे CFT से करो और चाहे VBT से करो, सारे क्वेश्चन एक ही साथ सॉल्व होंगे। राइट बेटा, ये खत्म हो गया, कल इसको खत्म कर लेंगे VBT को। अभी बहुत माल पानी है VBT में, एक कल पूरा टाइम ले लेगा। कल सुबह हम लोग कितने बजे मिलेंगे? नहीं, एग्जैक्ट 7। कितना छोड़ेंगे? 8। टॉपिक बोलो, मोल कॉन्सेप्ट। ये पूरा क्लियर हो गया? पहले इसको अभी तुरंत जाके रिवाइज करेंगे, दो क्वेश्चन आते हैं, बर्बाद मत कर देना इसको, और फिर कल के काम को देख लेना, सवाल अवाल लगा लेना, ठीक है?